हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनियम वाप्ता ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को राम राम। तो भाई आज निकल लिए फिर जो है कोटपुतली। आज हमारे दोस्त हैं, उनके कोटपुतली में होटल हैं, आज हम वहां के लिए निकल चुके हैं और कल हम आपको कराएंगे बाबा खाटू श्याम के दर्शन। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेने रिंकू भाई, सोनू भाई और मामा, और फिर हम निकलेंगे। तो 12:34 हो रहे हैं गाइस, अब मैं चल दिया हूँ। तो रिंकू भाई रेडी हैं, बस उनको लेना है और वहाँ से निकलना है। टैंक मैंने कल ही फुल करा लिया था। तो भाई आज तो हम स्टे करेंगे जाके, गणपति होटल है, आपको दिखाएंगे, पहले भी ब्लॉग में दिखाया था। तो आज तो हम वहीं रुकेंगे और कल हम जाएंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने, और फिर 30 तारीख को मैं निकल रहा हूँ गाइस कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर आऊँ, काफ़ी दिन हो गए। तो अभी लेते हैं हम अपने भाइयों को, फिर दिखाते हैं आपको। मौसम भी देखो कितना अच्छा हो रहा है, कल बारिश थी पूरा दिन भर हर जगह ही। तो गाइस ये आ गए रिंकू भाई, ये रे मामा। भाई आज चलो बैठो भाई, मैं किसी को मना ही नहीं करता बाबा के दर्शन कराने के लिए। चलो ना आ रहा, मम्मी भी चल रहा हूँ। तो सोनू है तो बोला अच्छा, कह रहा है चलने को, ठीक है। तो गाइस दो रिंकू भाई, ये रहे और ये रहे मामा और ये रहे पम्मी। पम्मी भाई तुम भी चलो। हाँ भाई मैं भी जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। चलो आ जाएंगे, कोई ना, शाम चल रहे हैं, दो तीन दिन में। किरसन जी सो रहे हैं, जग रहे हैं। किरसन जी, किरसन जी जग रहे हैं। किरसन जी तो चुप मार, यहाँ स्कॉर्पियो उठा के कभी भी राउंड है। अरे चार्जर ना लेगा? चार्जर की कहाँ जरूरत है, होटल में जाएंगे वो मिल जाएगा। चार्जर है वो मेरे बैग में, मतलब गाड़ी में। चलो तो गाइस चलते हैं, सोनू भाई को ले ले फिर चलते हैं, दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम मानेसर पहुंच चुके हैं, हाईवे पे चढ़ गए हैं, बाजार है थोड़ा। यहाँ पे कुछ भाई को भूख लग रही थी, कुछ लेने गए हैं मामा भी। ये मार्केट है मानेसर की, रोड पे ही हाईवे पे देखो मार्केट बहुत है भाई। पल्ले रोड पे तो जाम लग रहा है, ट्रकन को देखे है। सीलमपुर भी फैल कर दिया मार्केट में ना, यू दोनों ओर बाजार पर भी फैल कर दिया, और चंद्रावण भी फैल कर दिया। चंद्रावण तो हाई क्लास मार्केट है यार, कमला नगर वो तो दिल्ली में ब्रांड है यार, सारे शोरूम। हाँ नहीं, चंद्रावण में तो भाई मैंने एक दिन आपको दिखाया भी था, एक किलोमीटर में आप ये चीज बताओ ऐसी कौन सी है नहीं वहाँ पे जो है। ये तो हाईवे रोड पे बता रहा हूँ ना, जैसे हाईवे रोड पे बहुत कम दुकान होती है। तो अभी मामा गए हुए हैं कुछ लेने भेजे हैं, देखो लाते हैं तो खाने के लिए गाइस आपको दिखाते हैं। मौसम हो रहा जबरदस्त, आज हम निकल लिए, आज कोटपुतली रुकेंगे हम गणपति होटल में। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं साजापुर टोल पे, थोड़ा जो है वॉशरूम वॉशरूम करने के लिए रुक गए थे, अब फिर चल दिए हम। सैनी भाई जो हमारे वो यहीं मिल गए थे, अभी आगे निकल गए, अभी परिचय कराएंगे आपका थोड़ी देर में। ये देखो भाई साजापुर का टोल है, अब यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर रह गया है कोटपुतली। हाँ। यहाँ पे भाई का होटल है, वहाँ जाके फिर रेस्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं होटल और शाम को क्या सेवा होती है वो भी दिखाते हैं। ये है अपने सैनी भाई, ये हैं शिफ्ट में हमारे सैनी भाई, यही शिफ्ट आपको वहाँ मिलेगी। हमें लेना है बॉर्डर से, ये बॉर्डर से ही लेना है, स्वागत करने। रिंकू भाई आपके लिए आए हैं ना, कि जब आप दिल्ली से इतना चलते हुए आए हो तो मैं आपको लेने यहाँ आऊंगा टोल पे। चलो तो गाइस चल के भाई से वहीं मिलाएंगे फिर होटल में। गाइस देखो राजस्थान के पहाड़ हरे भरे हो रहे हैं, जैसे बारिश आई थी, देखो कितने अच्छे है भाई। रिंकू भाई ये तो बढ़िया हो रहे हैं ना, चार रोड हरा ही हरा, चार रोड ऐसा लग रहा है मनाली में आगे हो। ये देख इधर की साइड तो ऐसे ही लग रहा है जब बादल ये रहे, बहुत बढ़िया व्यू है। तो है ना बारिश के बाद आए हैं तो बढ़िया मजा आ रहा है एकदम, देखो क्या हरा ही पहाड़ वैसे दिखते, हरा ही हरा हो रहा चारों और पहाड़ है ज्यादा शॉर्ट, इधर कुछ भी ना हो, एक साइड रहे ना। हाँ, एक साइड रहे, इधर हैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के और हल्के फुल्के उधर हैं, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा सारा हिल। तो ये कौन सी जगह है भाई रिंकू भाई? ये बहरोड के अंदर है, बहरोड के अंदर से रोड, और नहीं ये वो है नांगल चौधरी, नांगल चौधरी, नांगल चौधरी।
भाई राजस्थान में कुछ भी कर रोड तो है जबरदस्त है। देखो हम क्या देख गेट, ये गांव के मंदिर है जी गेट, और ये देखो आप रोड 80 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, ऐसे चल रही है मक्खन। हर गांव की ऐसी एंट्री पाएगी इधर राजस्थान में। राजस्थान में माता के मंदिर ने बहुत ज्यादा मान है। ये बाहर ही सारे भगवान रहते हैं, ऊपर ही भगवान के नीचे कर लेकर के पब्लिक जा। देख क्या जंप आए हैं ना हमारे बंदे, इनकी तो दिख ना अगले। तो गाइस पहुंच गए हैं ये होटल गणपति। अब हम यहाँ से निकल लिए अपने भाई के साथ, सैनी भाई के साथ। सैनी भाई आप कहाँ ले जा रहे हो? आपको लेके चलेंगे उदयपुर वाटी। कुछ दिखाने ले जाओगे ना? अब हम चल दिए अपने होटल से और आगे। एक भाई पीछे ले लिए हमने, ये रे साडू साहब, साडू साहब। अब उदयपुर वाटी चल दिए, वहीं कुछ अपना देखेंगे बढ़िया सा, क्या दिखा के लाएंगे भाई। तो गाइज हम पहुंच गए हैं, ये है घाट। अब अंधेरा हो गया, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये घाट है उदयपुरी की घाट, पता नहीं। सुनो मैं तो अभी भाई से पूछवाता हूँ। सैनी भाई ये क्या चीज है? मंदिर है, कम से कम भी 100 साल पुराना मंदिर है। अच्छा अच्छा, इसको घाट बोलते हैं, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर चारों तरफ अरावली से घिरा हुआ मंदिर है और बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे, और इसको घाटी पोर्शन बोलते हैं। तो ये 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना मंदिर है। अंदर से देखोगे आप बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। चारों तरफ अरावली है, इसके चारों तरफ। यहाँ पे आओगे जाने का मन नहीं करेगा दिन में, अब तो थोड़ा रात हो गया, यहाँ पे अंधेरा हो गया। भाई कल आएंगे दोबारा दिन में। अरावली देखो गाइस, बहुत पहाड़ देखो, ये सारे पहाड़ हैं नेचुरल। इस बार बारिश हुई है तो रंगत आ रही है पहाड़ों में भी, है ना। ये उदयपुर घाट पड़ता है, ये उदयपुर घाट पोर्शन है, घाटी पोर्शन। बहुत बड़ा रिसोर्ट है यहाँ पे। हाँ, और मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे बाजार है, सीकर का मेन रोड है। सीकर का मेन रोड है, ये उदयपुर की घाटी है। तो यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे भाई दर्शन करने। चलो गाइस फिर हम करके आते हैं दर्शन। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वहाँ लिख रहा था फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको बाहर से दिखा दिया। देखो ये यहाँ से लेके इतना ही इधर है और इतना ही इधर है, और यहाँ से जयपुर और कोटपुतली ये देख लीजिए। जयपुर है 115, कोटपुतली है 91। तो हम यहाँ से दर्शन करके घूम के फिर भाई के वहीं जाएंगे होटल में, गणपति होटल में। बाकी मैं गाइस आपको वहीं दिखाऊंगा चल के। ये गाड़ी लगा दी, अब हम चलते हैं मंदिर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर से आके। ये हमारा होटल है गणपति होटल, जो मैंने दिखाया था। देखो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी रूम है। ये लिफ्ट है, यहाँ से आते ही हमारा रूम है 202 नंबर। आपको रूम ये है 202, ये देखो। ये इनको भाई लौट रहे हैं, मामा खड़े हैं। एक ये था और एक ये था भाई, दो रूम थे। तो गाइस करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट्स भी किया करो। चलो भाई जय श्री राम। अब कल हम निकलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा आएगा वो आएगा खाटू श्याम का मॉर्निंग में, और हम निकलेंगे कल खाटू श्याम के लिए।